हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बख्शिंदर सिंह और आप सबका वेलकम है आज के व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोवा की फेमस सरना बेथिंग बीच देखने। तो चलिए, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे बीच पर। फ्रेंड्स, अब हम सरना बेथिंग बीच पर आ गए हैं और यहाँ पर आने वाले सभी लोग यहीं रोड के किनारे किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं और यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल फ्री है। और यहीं रोड के किनारे पे टॉयलेट भी है, आप समुंदर में नहाने के बाद यहाँ पर आकर दोबारा नहा सकते हैं और अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। ये सामने बीच का एंट्रेंस है और यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सरना बेथिंग बीच का शानदार नज़ारा। फ्रेंड्स, ये बीच बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ है और इसका पानी भी बहुत साफ है और इसकी रेत वाइट कलर की है जो कि बहुत ही मुलायम है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना साफ पानी है और कितना शानदार व्यू है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बीच की राइट साइड में चलते हैं और आगे चलकर देखेंगे वहाँ पर कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। फ्रेंड्स, आपको इस बीच के ऊपर शैक भी मिलेंगे जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेज, नॉन वेज, सी फूड और रशियन फूड भी मिल जाएगा और ड्रिंक में यहाँ पर हर एक तरह की ड्रिंक अवेलेबल है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जूस एंड शेक भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ। अगर आप बीच की राइट साइड में 10 मिनट तक पैदल चलेंगे तो आप कोलवा बीच में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बीच आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सरना बेथिंग बीच है जहाँ से हम आए हैं और अभी मैं इस समय सरना बेथिंग बीच और कोलवा बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मेरे को लगे सिर्फ 10 मिनट। ये देखिए, यहाँ से आगे कोलवा बीच है। फ्रेंड्स, कोलवा बीच भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल की बीच है। आप वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे शैक भी हैं। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वाली वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बीच की लेफ्ट साइड में चलते हैं और वहाँ आगे चलकर देखेंगे कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। फ्रेंड्स, बीच की लेफ्ट साइड में भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल के शेक हैं। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहले इसकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। सरना बेथिंग बीच साउथ गोवा में है। अगर आप इसकी लोकेशन को गूगल मैप में सर्च करेंगे तो बिल्कुल ठीक बताएगा। वास्को द गामा रेलवे स्टेशन से सरना बेथिंग बीच लगभग 29 किलोमीटर है। दाबोलीम एयरपोर्ट से सरना बेथिंग बीच लगभग 25 किलोमीटर है। मडगांव रेलवे स्टेशन से सरना बेथिंग बीच लगभग 7.5 किलोमीटर है और पंजीम बस स्टैंड से सरना बेथिंग बीच लगभग 35 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये सरना बेथिंग बीच है जहाँ से हम आए हैं और अभी मैं इस समय सरना बेथिंग बीच और बेनोलियम बीच के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचने में लगे मेरे को सिर्फ 10 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बेनोलियम बीच स्टार्ट हो जाती है। बेनोलियम बीच भी बहुत ही शानदार है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, ये मछुआरे हैं जो समुंदर में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने के लिए जा रहे हैं और ये इसी तरह बोट को धक्का मारकर पानी में उतारते हैं। फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, धूप बहुत तेज है, इसलिए मैंने सोचा चलो पानी में डुबकी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, अब अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में गोवा में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए अगर आप बीच पर आ रहे हैं तो यहाँ तो सुबह 11 बजे के पहले आएँ या तो फिर शाम को 4:30 के बाद आएँ,
क्योंकि 11 से 4:30 के बीच का जो टाइम है उसमें धूप बहुत होती है और बीच पर गर्मी बहुत होती है, इसलिए अगर आप शाम को 4:30 के बाद आएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप समुंदर में नहाने के लिए आ रहे हैं, पानी में इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, फिर तो आप चाहे किसी भी टाइम बीच पर आ जाइए, क्योंकि समुंदर के पानी में आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप बीच पर खाली घूमने के लिए आ रहे हैं, व्यू देखने के लिए आ रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, फिर तो अगर आप शाम को 4:30 के बाद आएंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अब शाम के 5 बज गए हैं और देखिए बीच पर क्राउड बढ़ने लगा है, लेकिन अब बीच थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि समुंदर के अंदर की जो गंदगी है वो समुंदर ने बाहर निकाल दी। ये देखिए जो नीचे आप थोड़ा थोड़ी गंदगी के ढेर देख रहे हैं, ये समुंदर के अंदर उगने वाले पौधे हैं, या फिर आप इनको समुंदर के अंदर उगने वाली खतपतवार भी बोल सकते हैं, या घास के झाड़ भी बोल सकते हैं। जब हम सुबह यहाँ पर आए थे तो बीच एकदम साफ थी, समुंदर ने दोपहर के 1-2 घंटे के अंदर ही ये सारी घास बाहर निकाल दी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको बीच एकदम साफ मिलेगी। फ्रेंड्स, सरना बेतिम बीच साउथ गोवा की फेमस बीचेस में से एक है। यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेनर टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अब आपको गोवा के अंदर फॉरेनर टूरिस्ट थोड़े कम दिखाई देंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ से वापस अपने देश जाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर यहाँ से लगभग 90% फॉरेनर टूरिस्ट अपने देश चले जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हैं तो आप इस अप्रैल के महीने में गोवा आ जाइए, क्योंकि अगला महीना मई का है और मई के महीने में गोवा में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मई के महीने में गोवा आए। इसलिए अगर आप अप्रैल के महीने में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मई के महीने को स्किप कीजिए, उसके बाद सीधा जून में आइए। लेकिन जून में आने में एक प्रॉब्लम है, तब आपको ना तो बीच के ऊपर शैक मिलेंगे और ना ही वाटर स्पोर्ट्स मिलेगा, क्योंकि जून के महीने में गोवा में थोड़ा मानसून आ जाता है, इसलिए वाटर स्पोर्ट्स और शैक बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए आप अप्रैल में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अब शाम के 6 बज गए हैं और देखिए बीच पर कितना बढ़िया माहौल हो गया है, और देखिए कितना शानदार व्यू है। अब हवा भी बहुत कमाल की चल रही है और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है। फ्रेंड्स, देखिए कितना शानदार व्यू है। अब शाम के 6:30 हो गए हैं और अब सिर्फ 5 से 7 मिनट में सनसेट हो जाएगा। आजकल गोवा में सनसेट शाम को 6:35 के आसपास होता है, और मेरे को तो बीच पर सनसेट देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी सनसेट का टाइम होता है बीच पर एक जगह पर बैठ जाता हूँ और सनसेट के व्यू को इंजॉय करता हूँ। आप भी जब अपनी फैमिली के साथ गोवा आएँ, भले ही आप गोवा के किसी भी कोने में रुके हों, उसके पास में जो भी बीच हो, वहाँ पर शाम के टाइम जाएं और सनसेट का नज़ारा ज़रूर देखें। ये देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है।
फ्रेंड्स, अब रात हो गई है और सभी शेक वालों ने लाइटें ऑन कर दी हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा है, सभी शेक कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और अब आप सरना बेतिम के नाइट व्यू को एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।